शुरुआत करेंगे कल आखिरी चरण के चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टियों के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। एनडीए की ओर से जहां अमित शाह योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड रही, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल, अखिलेश और ममता ने कमान संभाली। वहीं प्रचार में ओवैसी की अलग ही चाल देखने को मिली, इस रिपोर्ट में देखिए। बड़ी बड़ी रैलियों, चुनावी सभाओं और रोड शो का समापन हो गया। 75 दिन चला लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 1 जून को आखिरी चरण में वाराणसी समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं ने पूरा दम दिखाया। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह की रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा रही। अमित शाह ने 188 से ज्यादा रैली और रोड शो किए। अमित शाह ने पूरे चुनाव में करीब 1,10,000 किलोमीटर दूरी तय की। अमित शाह ने इस दौरान अपने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में आपको तय करना है। अमित शाह के बाद एनडीए की ओर से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की डिमांड रही। उनकी जनसभाओं में भीड़ भी जमकर उमड़ी। योगी आदित्यनाथ ने 150 से ज्यादा रैली और रोड शो किए। इस दौरान उनके कई बयान चुनावी मुद्दे भी बने। बुलडोजर के साथ ही उन्होंने अपराधियों को उल्टा लटकाने तक की बात कही। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी धुआंधार प्रचार किया। राहुल गांधी का खटाखट वाला अंदाज सुर्खियां बटोरता नजर आया। प्रियंका भी खटाखट अंदाज को अपनाते हुए अमेठी राय बरेली के साथ पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करती नजर आई। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार में 107 तो वहीं प्रियंका वाड्रा ने 108 रैली और रोड शो किए। साल का 1,00,000 रुपया बैंक अकाउंट में मिलेगा, 8,500 रुपए महीने के पहले तारीख को आप देखोगे, खटाखट 8,500 रुपए। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनावों में पूरी ताकत झोंकी। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अप्रैल और मई की गर्मी में चुनावी प्रचार में कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने भी 100 से ज्यादा रैली और रोड शो किए। दूसरे विपक्षी नेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली, राहुल गांधी के साथ संयुक्त जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने 83 से ज्यादा रैली और रोड शो किए। अखिलेश और राहुल गांधी की जनसभाओं में जमकर भीड़ उमड़ी। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत के दावे के साथ ही बीजेपी को निशाने पर रखा। जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। विपक्ष की एक और नेता जो सबसे ज्यादा सक्रिय रही, वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार के साथ ही अपने तीखे बयानों से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार निशाने पर लिया। चुनाव प्रचार की बात हो और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
हैदराबाद में इस बार उनके खिलाफ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता चुनाव लड़ रही हैं, वहीं ओवैसी पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन वो बीजेपी पर कम, इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर ज्यादा हमलावर रहे हैं। अरे कितने बार आप वोट देंगे उनको? 2014 में आपने अखिलेश को वोट दिया, क्या बीजेपी को हरा पाए? नहीं हरा पाए। अब फिर आकर कह रहे हैं कि भैया के नाम पे जवानी कुर्बान कर दो, दरी बिछाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब दरी नहीं बिछाना, जवानी को कुर्बान नहीं करना। यही नहीं, ओवैसी ने तो ये भी दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। 75 दिनों के चुनावी अभियान में सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरा दम लगाया। चुनावी रैली, रोड शो से लेकर अपने बयानों के जरिए जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश की। आखिरी चरण का मतदान बाकी है, ऐसे में फाइनल नतीजों के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि चुनावी बाजी में देश किस पार्टी के पक्ष में राजी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।